वेलकम बैक टू माई चैनल द ब्यूटी कंपनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग सेफ एंड हेल्दी। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा दुर्गा पूजा सीरीज, और इस सीरीज में फर्स्ट वीडियो है एक हॉल वीडियो, जो कि अभी अभी मैंने रिसेंटली कुछ चीजें हॉल की थी, विच आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विथ यू गाइज। एंड इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड कि इस हॉल वीडियो में क्या क्या वो चीजें है जो कि आपको अच्छा लगेगा, देन प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड वीडियो में जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। जितने भी प्रोडक्ट्स आज आप इस वीडियो में देख रहे हो, उन सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, इवन प्राइस डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। सो फर्स्ट इन द हॉल इज अ प्लम ई लुमिनेंस क्लेंजिंग बाम। ये काफी दिन से मेरे विश लिस्ट में था और मैं सोच ही रही थी इसको पिकअप करने के लिए, और मैंने सोचा यही सही मौका है कि इसको मैं ऑर्डर करके देखूं ये कैसा काम करता है। सो आई एम येट टू ट्राई दिस, इट इज कम्प्लीटली फ्रेश। सो ये था मेरा फर्स्ट हॉल। Then we have Earth Rhythms Facial Cleansing Pad. I ordered this in the set of 2, and ये set of 1 में भी आता है, pack of 2 में, pack of 4 में, जैसा आपको convenient हो आप वैसे order कर सकते हो। मैंने सोचा पहले मैं pack of 2 order करके देखती हूँ ये कैसा है, क्योंकि this is the first time I'll be trying this out, and आज ही मैं इसको try out करने वाली हूँ to remove this whole makeup. ये मैंने waterproof makeup किया है आज, because As you all can see, I'm sweating a lot because I'm under medication. मुझे viral fever हो गया है, so उस वजह से मुझे बहुत गर्मी हो रही है, and this will be a task to remove. तो इसलिए I will be using this today, and after I use it, I will definitely film a short video to show you how this performs. So yes, please stay tuned for that. We have is Chariot Vegan Lip and Cheek Blush. This is a vegan, cruelty-free and silicone-free brand. And इसकी packaging कुछ इस तरीके से आती है, tub form में है, काफी lightweight है, easy to carry है, बहुत अच्छी review सुनी है. And let me give you guys the swatch. So ये है एक peachy coral undertone में, and बहुत ही suit करेगा dusky skin tone को. And this will give you a very nice healthy glow, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें एक हल्का सा luminosity है, तो ये आपको एक within kind of glow भी provide करेगा. So yes, this was a short cute mini review about this brand. So I'm very excited to try this out. Then we have Swiss Beauty Facial Oil, and ये आती है 30 ml के bottle में. Let me show you guys the inner packaging, how beautiful it looks. तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, ये कुछ इस तरीके की इनर पैकेजिंग में आती है. आई एम ऑलरेडी यूजिंग इट, एंड अगर आप लोगों को इसका रिव्यू चाहिए, प्लीज लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली रिव्यू इट फॉर यू गाइस. एंड ये आपको सारे वेबसाइट्स में मिल जाएंगे, लाइक पर्पल, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड नायका पे भी मिल जाएगा आपको. Then we have Swiss Beauty 3-in-1 Brightening, Illuminating and Moisturizing Serum. इसको जब मैंने देखा था Swiss Beauty के Instagram पेज पे लॉन्च करते हुए, तब मैंने सोचा था इसमें ऐसा क्या इंग्रेडिएंट्स है. सो आई वॉज रियली इंटरेस्टेड एंड कीन टू नो कि क्या क्या है इसमें. सो इसके लिए मैंने इसको ऑर्डर किया, बाकी मेरा कोई रीजन नहीं था इसको ऑर्डर करने के लिए. वंस यू ओपन द पैकेजिंग, यू गेट अ ग्लास पैकेजिंग लाइक दिस, आपको ऐसे एक ड्रॉपर मिल जाता है. द प्रोडक्ट इज रियली वेरी थिक, बहुत ही थिक है, एंड जब आप इसको आपके बैक ऑफ द हैंड में ऐसे स्क्वीज आउट करते हो, आपको एक इरिडेसेंट शिफ्ट दे रहा है. एंड वंस यू ब्लेंड इट इनटू योर स्किन, जो वो शिफ्ट है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है. बहुत ही अच्छा एक ग्लो दे रहा है, एंड मुझे कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि इसमें कोई शिमर पार्टिकल्स है जिससे आपको वो ब्राइटनिंग और इल्यूमिनेटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं. ये नेचुरली आपको एक इल्यूमिनेटिंग बेस दे रहा है. आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट, अभी तक यूज नहीं किया है. वेरी सून यू विल बी सीइंग मी यूजिंग दिस ऑन माई फ्यूचर वीडियोज.
Then I have this Mars Hydra Glow Primer, and it is said that secret potion for your skin luminous. And here it is written, contains goodness of aloe vera leaves, chamomile, rose hip oil, almond and grape seed. So बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट्स है. वंस यू ओपन द पैकेजिंग यू गेट अ ग्लास बॉटल लाइक दिस. इट कम्स इन अ 30 ml ऑफ पैकेजिंग लाइक दिस, प्रिटी इन पिंक. यू गेट अ नाइस ड्रॉपर फॉर्म. एंड जब आप इसको स्क्वीज इन करके स्क्वीज आउट करते हो, आप देखोगे कि काफी लाइट वेट है. और इसमें एक सेंट है जो कि मुझे कफ सिरप की याद दिला रही है. यस, मुझे कफ सिरप की याद दिला रही है. एंड मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया है. मैं सोच रही हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, उन सबको मैं एक वीडियो में इंक्लूड करूँ और साथ ही साथ अपने छोटे से रिव्यूज देते जाऊँ. व्हाट से आर यू गाइस इंटरेस्टेड, देन प्लीज लेट मी नो. मैं जल्द ही वो वीडियो शूट करूंगी. सो यस, प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. And we have LA Girl Pro Coverage High Definition Illuminating Foundation. It comes in a bottle like this. This is an acrylic bottle and you get 28 ml, which is quite less than standard foundation ka jo quantity hai. But doesn't matter kyunki ye bahut hi acha glow deta hai and skin ko acche se hydrate rakhta hai. Zara bhi aapko aisa lagega nahi ki aapka skin dry ho raha hai. This is good for people with dry skin. अगर आप oily हो, stay away from this क्योंकि ये आपकी skin को और भी oily बना देगा. And I really love using this during winters क्योंकि winters में ये अच्छा एक moisturizing effect भी देता है. This is a repurchase and I love this product. Then we have another repurchase and that is from the brand Swiss Beauty again, and I'm talking about Swiss Beauty Anti-Aging Elixir Serum. Iske review already mere channel pe ja chuki hai, whose link I should mention it on the I button here and also in the description box. To agar aapko janna hai ki isme kya kya benefits hai aur ye mere skin mein kya kya isne benefit show kiye hai, then please pause this video aur ya to is video ko pura dekh lo aur fir us video में चले जाना. बट डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो. एंड आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट. रियली आई लव दिस प्रोडक्ट. टाइम से एक अच्छा हैंड मिरर ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते मैंने डिस्कवर किया इस मिरर को. दिस इज टू साइडेड. वन साइड आपको नॉर्मल आता है एंड अदर साइड इज अ मैग्नीफाइड वन. तो ये काफी लाइट वेट है. आपको मिरर की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है. या कोई भी प्रिसाइज काम के लिए आप चाहते हो कि आपका मिरर आपके क्लोज रहे, जिससे आप का व्यू जो है बहुत इजी आए, तो उस हिसाब से मुझे ये बहुत अच्छा लगा. एंड ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है. बहुत कम प्राइस में आपको एक अच्छा क्वालिटी का मिरर मिल जाता है. आई एम इन लव विद दिस एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट टू यू गाइज. I have is this beautiful eyeshadow palette from Nika K and it is a sugar coat eyeshadow palette. बहुत time पहले आ गया था but मैंने इसको अभी अभी recently ही pick up किया है. काफी दिन से wishlist में था और मुझे इस palette की खासियत ये लगी कि ये जो shimmer lines है, glitter lines है वो, and जहां glitter हो वहां पर मैं हूं because I love glitter. ये बहुत ही अच्छी पैलेट है, क्वाइट पिगमेंटेड. 1500 इसका प्राइस है बट इट इज ऑलवेज ऑन डिस्काउंट, सो यू गेट एट 50% ऑफ. थोड़े बहुत स्वॉचेस दे देती हूँ मैं. लेट मी स्टार्ट विद द मैट फर्स्ट. एंड तो ये है मैट के स्वॉचेस एंड देन विल गो टू द शिमर वंस. बहुत ही ब्यूटिफुल है, बहुत ही. एंड दीज आर द शिमर्स. बहुत ही क्रीमी फॉर्मूला है एंड ईजी टू ब्लेंड है. मैंने ऑलरेडी इस पे दो तीन आई लुक्स कर लिए हैं विच विल बी अप वेरी सून. एंड बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद आई है. इसमें दो इट डज नॉट हैव अ मिरर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. 750 rupees में आपको इतने अच्छे अच्छे कलर स्कीम मिलते हैं. वॉट एल्स यू नीड. सो यस, दिस इज माई अनदर हॉल.
Next in the haul is another repurchase, and this is Flower Beauty Light Illusion Concealer in the shade Light Medium and Medium Deep. मैंने दो शेड इसलिए पिकअप किए हैं क्योंकि कभी कभी मुझे हाईलाइटिंग कंसीलर के लिए लाइट मीडियम बहुत यूजफुल होता है मेरे लिए, एंड अगर मेरे ब्लेमिशेस को, और किसी दिन ऐसा होता है कि मुझे हाईलाइटिंग नहीं करना बस कंसीलिंग करना है, उस दिन पे मैं ये मीडियम डीप शेड यूज कर सकती हूँ. दिस इज मी सेकेंड टाइम बाइंग दिस बिकॉज आई लव दिस सो मच. ये बहुत ही एक लाइट वेट फॉर्मूला है, हाई ऑन कवरेज है एंड क्रीज नहीं होता. बहुत ही लॉन्ग स्टेइंग फॉर्मूला है इसका, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. अभी रिसेंटली 50% ऑफ का ऑफर चल रहा था तो तभी मैंने इसको पिकअप कर लिया. एंड यस, in the haul is again my favorite brand, and that is from Swiss Beauty. It is their liquid concealer. I picked up the shade Warm Sand, and ye mera ek repurchase hai kyunki first time jab maine isko use kiya tha I fell in love with this product kyunki ye bahut hi light weight hai. आपको ये लाइट टू मीडियम कवरेज देता है, इजीली आप इसको बिल्ड कर सकते हो. आपके ब्लेमिशेस को अच्छे से कवर कर लेता है, आपके अगर ड्राई पैचेस है उसको वो एनहांस नहीं करता, एक्सेंचुएट नहीं करता. और जिस दिन आपको एक लाइट मेकअप करना है, नो मेकअप मेकअप लुक करना है, तो ये बहुत ही अच्छे से वो कर लेता है. सो डैट इज वाई इसका मैंने एक बैकअप ले लिया, क्योंकि जो शेड वॉर्म सैंड है वो इजिली अवेलेबल नहीं रहता, आउट ऑफ स्टॉक रहता है, सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक अ चांस. नेक्स्ट इन द हॉल इज अनदर फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइंड, एंड दैट इज मिस क्लेयर वॉटर प्रूफ आईब्रो पेंसिल इन द शेड 02 डार्क ब्राउन. इसको जब से मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था तब से मैं दूसरे ब्राउ प्रोडक्ट्स के तरफ गई नहीं. आई एम दैट लॉयल टू दिस प्रोडक्ट. एंड पहले मैं सोचती थी कि मिस क्लेयर है, पता नहीं कैसा काम करेगा, बट नहीं बॉस, दिस वर्क्स वेरी नाइस. दिस कैन यू नो बीट एनी हाई एंड ब्रांड. इट हैज गॉट राइट अमाउंट ऑफ पिगमेंटेशन, राइट अमाउंट ऑफ वैक्सीनेस. क्वालिटी बहुत अच्छी है. इफ यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर बोल्डर लुक, इफ यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर नेचुरल लुक, एंड सबसे मेन थिंग इज इट इज इन बजट. सो अगर आप कॉलेज गोइंग हो एंड अगर आप मेकअप में स्टेप इन कर रहे हो तो आप इसमें इन्वेस्ट करके देख सकते हो, यू विल नॉट रिग्रेट इट. एंड दिस इज माई बैकअप. तो इसके लिए गुड क्वालिटी आईब्रो जेल हमारे मेकअप वैनिटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और अगर हम चाहते हैं हमारे आईब्रोज लॉन्ग आवर्स तक सेट रहे, बच प्रूफ रहे, तो हमको एक अच्छा आईब्रो जेल की ज़रूरत पड़ती है. एंड मेरा हमेशा से एक ही प्रेफरेंस रहा है आईब्रो जेल में, और वो है एसेंस का ये ब्राउनी ब्राउज जेल. ये मैंने दो ऑर्डर कर लिए थे क्योंकि मुझे मालूम है एक बार अगर नायका में ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो वो वापस जल्दी नहीं आता. एंड आई लव दिस प्रोडक्ट लाइक एनीथिंग क्योंकि इसमें माइक्रो फाइबर्स है. अगर आप किसी नेचुरल लुक के लिए जाते हो, सिर्फ आप ये यूज करके अपने ब्राउ हेयर्स को ब्रश करते हो, आपके ब्राउज काफी फिल्ड इन दिखते हैं. एंड आई रियली लव कि इसका जो शेड है इट इज क्वाइट suitable for Indian dusky skin tone, and this product is very near and dear to my heart. To iske liye next I have kept this best product for the last क्योंकि ये बहुत दिन से मेरे विशलिस्ट में था, और इसकी प्राइस हमेशा अप एंड डाउन होती रहती है. बट मैं एक ऐसे प्राइस पॉइंट का वेट कर रही थी कि जैसे ही वो उस प्राइस पॉइंट में पहुंचे मैं इसको ऑर्डर कर लूं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आई मैजिक टच ब्लश पैलेट. बहुत ही एक अच्छा ब्लश पैलेट है, हाई इन डिमांड है. एंड मैंने इसको ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से. पीछे आपको एक्सपायरी डेट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको शेड नेम्स मिल जाएगा. जो सेलर है उसने मेरे पैकेज को बहुत ही सिक्योरली पैक करके भेजा था, तो इन ट्रांजिट डैमेज होने का कोई भी चांस नहीं था. एंड जब आप इसको ओपन करते हो आपको यहाँ पे एक फिल्म मिलता है जिससे आपके मिरर में कोई भी डैमेज या स्क्रैच ना लगे, और एक फिल्म ऐसे मिलता है जो शेड्स है वो अनटच रहे, स्क्रैचेस ना लगे. और ये रहे वो सिक्स शेड्स,
ऑल द शेड्स आर कम्प्लीटली मैट और बहुत ही पिगमेंटेड है। जरा सा आपको हल्का सा टच करना है एंड आपको वो पिगमेंट मिलता है। दिस ऑल सिक्स शेड्स आर परफेक्ट फॉर इंडियन स्किन टोन। अगर आप डीपर डस्की और या तो मेरे स्किन टाइप के हो, आपको ये शेड्स बहुत सूट करेंगे। इवन मीडियम स्किन टोन भी यूज कर सकते हैं, लाइट स्किन टोन भी यूज कर सकते हैं, बट आपको बहुत ही हल्के हाथों से इसको यूज करना है बिकॉज इट इज वेरी पिगमेंटेड। ये अगर एक पैलेट आपके पास रह जाए तो आपको दूसरे ब्लशेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिक्स शेड्स को आप मिक्स एंड मैच करके आप अपना एक कस्टम शेड भी क्रिएट कर सकते हो। सो यस, सो दिस वाज माय लास्ट हॉल। सो गाइज, बाय दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टूडेज वीडियो। और प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आज का दुर्गा पूजा सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद है सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू टर्न द बेल बटन ऑन, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहे मेरे फ्यूचर अपलोड्स के बारे में। एंड नाउ आई शेल टेक योर लीव, आई विल सी यू सून विथ माई नेक्स्ट सीरीज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।